स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। नोटबंदी को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में शुरुआत से जारी गतिरोध पर बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में भावुक हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने अपने ऐप पर नोटबंदी को लेकर जनता से मांगी राय। सार्क की पहल को रोकने पर भारत ने पाक को दी चेतावनी। विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा पाकिस्तान के बिना एक अन्य संगठन बनाने की रहेगी कोशिश। नोटबंदी पर अरुण जेटली ने कहा पूरे ऑपरेशन को रखना था गोपनीय, इसलिए नहीं बदले गए थे एटीएम। साथ ही कहा पूरा देश नोटबंदी के फैसले पर हमारे साथ। इंदिरा गांधी से नरेंद्र मोदी की तुलना पर सोनिया गांधी ने जताई आपत्ति। कहा कांग्रेस सत्ता में करेगी वापसी। साथ ही बोली इस बात को भी किया खारिज कि मोदी का मुकाबला करने वाला कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं। इंदौर पटना एक्सप्रेस रेल हादसे को लेकर हुआ नया खुलासा। सूत्रों के मुताबिक इंदौर पटना एक्सप्रेस में क्षमता से अधिक जोड़े गए थे डिब्बे। दो कोचों से आ रही थी तेज आवाज। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर और बांदीपुर के हंजन गांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर हुए आतंकियों के पास से बरामद हुए 2000 के नए नोट। इलाके की घेराबंदी कर सेना ने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया शुरू। यूपी बीजेपी के महासचिव स्वतंत्र देव सिंह ने सपा पर कसा तंज। कहा मुलायम कुनबे का ड्रामा बिग बॉस जैसा, डकैतों से ज्यादा यूपी को उन्होंने लूटा। 77 साल के हुए सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव। कानपुर रेल हादसे की वजह से पार्टी नहीं मनाएगी जन्मदिन का जश्न। इस हादसे में अब तक 149 लोगों की हो गई है मौत जबकि 60 लोग गंभीर रूप से घायल। कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और सीएम केजरीवाल झूठ की राजनीति कर रहे हैं। साथ ही कहा पंजाब की नुहार शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठजोड़ वाली पंजाब सरकार ही बदली गई। दिल्ली में नोटबंदी के चलते बैंक की कतार में 6 घंटे लाइन में खड़े रहने से एक शख्स की हुई मौत। मृतक बैंक में पैसे जमा करवाने आया था। पुलिस मामले की कर रही है जांच। दिल्ली में प्रदूषण की एक बार फिर मार। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा 25 नवंबर के बाद दिल्ली में ठंड के साथ कोहरा बढ़ेगा, इससे प्रदूषण के लिए जिम्मेदार तत्व वायुमंडल में काफी समय तक उपलब्ध रहेंगे। सरकार ने शादी वाले घरों को 2.5 लाख रुपए बैंक से निकालने की दी राहत, लेकिन रिजर्व बैंक के नए आदेशों के बाद शादी वाले घरों में मची अफरा तफरी। भूकंप के बड़े झटकों और सुनामी की लहरों से सहमा जापान। फुकुशिमा स्थित न्यूक्लियर प्लांट को भी नुकसान। प्लांट के तीसरे रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम ने काम करना किया बंद। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के शिया मस्जिद में एक सुसाइड ब्लास्ट में 27 लोग मारे गए, 35 लोग जख्मी। ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अमेरिका में नस्ली हमले भी हुए तेज। पिछले 2 दिनों में अमेरिका के अलग अलग शहरों में 4 पुलिस अधिकारियों को मारी गई गोली जिसमें एक पुलिस ऑफिसर की हुई मौत। रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग से कर्जधारकों को मिली राहत। होम कार कृषि व अन्य ऋणों के भुगतान के लिए 60 दिन का मिला अतिरिक्त समय। शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में मजबूती के साथ 25,847.98 पर खुला सेंसेक्स। निफ्टी 26.20 अंकों की बढ़त के साथ 7,955.30 पर की गई दर्ज। लोढ़ा पैनल ने बीसीसीआई पर कड़े किए तेवर। पैनल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा बीसीसीआई के हटाए गए पदाधिकारी पूर्व केंद्रीय सचिव जीके पिल्ले को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए मांगी गई अनुमति। जॉन अब्राहम और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म फोर्स 2 ने पहले ही वीकेंड में नोटबंदी के बावजूद 20 करोड़ रुपए की कमाई की। बिग बॉस सीजन 10 में होगी सनी लियोनी की एंट्री। सनी बिग बॉस के सीजन 5 में थी कंटेस्टेंट। वैसे बिग बॉस के घर में आने के बाद से ही सनी की जिंदगी बदल गई थी। मेरे साथ 20 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़।